हमास युद्ध की तबाही दुनिया को डरा रही है। गाजा बारूदी कब्रिस्तान में बदल चुका है, लेकिन हमास सरेंडर करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमास के साथ हर गुजरते दिन के साथ एक नया आतंकी संगठन जुड़ता जा रहा है। लेबनान के हिजबुल्ला के बाद यमन के हूती लड़ाकों ने इसराइल पर हल्ला बोल दिया है। इसराइल पर ड्रोन से मिसाइल दागने वाले हूती लड़ाके अमेरिका से भी सीधे टक्कर ले चुके हैं। हूती फाइटर्स ने अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त सेना को कई साल तक युद्ध में उलझाए रखा है, और अब ये लड़ाके इसराइल की जंग में कूद पड़े हैं। पंद्रह दिनों से इसराइल ने गाजा के अंदर 5,000 से ज्यादा एयर रेड करके गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया है, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने नहीं की थी। इसराइल के सामने सफल शासक माने जाने वाले गोल्ड मान्यार को भी ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ी थी। सिक्स डे वॉर में गोल्डा मायर ने 8 अरब देशों से अकेले जंग लड़ी थी, लेकिन इसमें यमन शामिल नहीं था। हालांकि अब वो जंग होने जा रही है, उसमें यमन भी कूद पड़ा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 2 मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब इसराइल ने भी इन हूथियों को जड़ से मिटा देने का ऐलान किया है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि हूथी विद्रोहियों ने जो 3 मिसाइलें दागी थी उसका टारगेट इसराइल था। जिसके बाद से इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने यमन में हूथी रेबल्स के अड्डों को तबाह करने की सीधी चेतावनी दे डाली है। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने गाजा पट्टी के साथ लेबनन और यमन पर जवाबी हमले की जानकारी साझा की है। गुरुवार को 19 अक्टूबर को ही अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने यमन से इसराइल की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया था। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया था कि हूथी ने इसराइल के खिलाफ ड्रोन भी छोड़े थे। मतलब इसराइल का एक और पुराना दुश्मन जंग के मैदान में है। हमास की तरह इसराइल के इस दुश्मन को ईरान ने ही खड़ा किया है। ईरान से ही हमास और हूथी को खाद पानी मिलता है। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interests, personnel and our partners. इसराइल पर हमले के साथ ही खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी मिसाइल और ड्रोन से दहलाना शुरू कर दिया गया है। इराक में अमेरिकी बेस एन अल असद पर रॉकेट और ड्रोन दागे गए। इस बारूदी अटैक की गूंज इराक में काफी दूर तक सुनी गई। इस हमले के बाद इराक की सेना ने सैन्य अड्डे के आसपास के इलाके को बंद कर तलाशी अभियान चलाया। मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से हमले में 2 रॉकेट के इस्तेमाल की पुष्टि भी हुई है, यानी इसराइल के साथ अब अमेरिका पर हमले शुरू हो चुके हैं। जिन 3 खूंखार संगठनों से इसराइल को एक साथ भिड़ना पड़ेगा, इन तीनों संगठनों के टॉप कमांडरों के चेहरे भी देख लीजिए। हमास का सरगना इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला का आका हसन नसरुल्ला और हूथी विद्रोहियों का कमांडर अब्दुल मलिक अल हूथी। गाजा का चप्पा चप्पा दहल रहा है। गाजा की गलियां बारूद से सनी हुई हैं।
गाजा का 30% हिस्सा मटिया मेट हो चुका है। गाजा के मकान कब्रिस्तान बन चुके हैं। गाजा में कोहराम कब थमेगा? ये खूनी संघर्ष गाजा से निकलकर कितने देशों की तबाही लाएगा? इजराइल इसका सीधा जवाब देता है। हमास के अंत तक जंग चलेगी। हमास इसका सीधा जवाब फिलिस्तीन की आजादी तक देता है। वहीं हमास समर्थक हूथी इस जंग का अंत पूरे मिडल ईस्ट से अमेरिका की विदाई तक देता है। जाहिर है हूथी का मंसूबा तमाम संगठनों से ज्यादा बड़ा है। यही नहीं, हूथी विद्रोहियों की ताकत और हमले के तरीके भी सबसे भयानक है। हूथी विद्रोही कितने खतरनाक हैं, इसका पता 2019 के हमले से लगता है। सितंबर 2019 में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को ड्रोन हमलों से दहलाया था। तब हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से मिसाइल दागकर तेल कंपनी अरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी वाले इलाके बकीक को धुआं धुआं कर दिया था। हूथी विद्रोहियों ने दूसरा मिसाइल अटैक अरामको के खुरैज तेल क्षेत्र में किया था। इन हमलों में इस्तेमाल हथियारों की निशानदेही मेड इन ईरान हुई थी। सऊदी अरब के तेल के कुओं को हूथी विद्रोही फरवरी 2021 में भी मिसाइल हमले से जलाकर खाक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के संयुक्त सेना से लंबे अरसे तक जंग भी लड़ी है। सीएनएन की एक रिपोर्ट बताती है कि हूथी विद्रोहियों को बहुत सारे हथियार तस्करी के जरिए मिलते हैं, लेकिन हूथी विद्रोहियों की असल ताकत ईरान है। मतलब यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठे हूथी विद्रोहियों के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। हूथी विद्रोहियों के हक में एक बात और है, वो ये कि अब संयुक्त अरब अमीरात से इस संगठन की कोई दुश्मनी भी नहीं। हूती विद्रोहियों का उदय सन 1980 में यमन में हुआ था। हूती विद्रोही यमन के उत्तर में बसे शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि हूती विद्रोहियों के पास 180,000 से लेकर 200,000 जवानों वाली सेना है। हूथी सेना के ये जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर हर तरह के आधुनिक हथियार चलाने में माहिर हैं। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूथी मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। शिया समुदाय से आने वाले हूथियों की यमन में बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले होते रहते हैं और हूथी विद्रोहियों को जब मौका मिलता है संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते रहते हैं। इसका असर यह हुआ है कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। सऊदी अरब, यूएई की सेनाओं का सीधा मुकाबला हूथी विद्रोहियों से है। हूथी 1980 के दशक से एक्टिव है, सैकड़ों मार चुके हैं, सैकड़ों हूथी विद्रोहियों की जान जा चुकी है। यमन कतरा कतरा तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब भी इन्हें अपनी नहीं हमास की पड़ी है। अपने शीशे के घर से हूथी विद्रोही इजराइल के घर पर पत्थर मार रहे हैं और यहां तो इजराइल पहुंचने से पहले किसी को भी भूमध्य सागर में परमाणु ताकत से लैस दो एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड और आइजनहावर के हमले से गुजरना होगा। लाल सागर में यमन से आए मिसाइलों को भी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कॉर्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त किया। युद्धपोत यूएसएस कॉर्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने और पानी और जमीन पर हमले के लिए होता है। यह 1991 से अमेरिकी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इस पर हमेशा 329 सैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसराइल युद्ध में समर्थन और विरोध की तस्वीरें पल पल बदल रही है, नया समीकरण देख रहा है कि हूथी विद्रोहियों के हमास के समर्थन में उतरने के बाद शायद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ खुलकर उतरने से इनकार करते। ऐसे में ईरान का यह दावा कि अरब देश एक होकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे दावा ही रह जाएगा। खाड़ी में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों शक्ति हैं। हूथी के नाम पर ये दोनों देश ईरान को कतई समर्थन नहीं देने वाले, लेकिन ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग से भी उम्मीदें हैं।
युद्ध की फैलती तेजी बता रही है कि विस्तार तय है जो बहुत भयावह और दर्द भरा होगा। ईरान के मैदान में आने से अभी तक डिफेंसिव मोड में रहे अमेरिका को आक्रामक होना होगा और फिर गाजा ही नहीं धमाके ईरान की राजधानी तेहरान में भी होंगे, धमाके लेबनन में भी होंगे क्योंकि हूथी हिजबुल्ला और हमास एक साथ खड़े हैं और इनसे निपटने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी धावा बोल दिया है। तो देखिए इजराइल लगातार अब हमास पर हमले कर रहा है लेकिन यहां पर बाइडेन की डबल गेम भी सामने आ रही है। तो बाइडेन किस तरीके से डबल गेम खेल रहे हैं? यूं तो वो लगातार कहते रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, वेपन्स भी इजराइल को पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में बाइडेन का क्या है डबल गेम? रिपोर्ट आते हैं। अक्टूबर को अमेरिका के दो बंधक रिहा किए और 21 अक्टूबर को हजारों टन की राहत सामग्री गाजा के अंदर चली गई। क्या बंधकों की रिहाई और राहत सामग्री गाजा के अंदर भेजे जाने को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हमास के खूंखार आतंकवादी इसराइल से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानते हैं, फिर आखिर ये आतंकवादी इतनी जल्दी कैसे अमेरिका के दो बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए? ये वो सवाल है जिसके जवाब से बड़ा कूटनीतिक गेम डीकोड होने वाला है। पिछले 15 दिनों से इसराइल पूरे गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, ये जानते हुए भी कि गाजा के अंदर इसराइल के 200 से ज्यादा नागरिक कैदी हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। कैदियों में बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, ये जानकारी भी इसराइल को है, लेकिन इसके बाद भी इसराइल की ये नीति रही है कि वो कभी भी आतंकवादियों के सामने झुकता नहीं है। और बंधक बनाने के बाद दुश्मन के द्वारा खेले जाने वाले माइंड गेम के दबाव में नहीं आता है और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही यानी हमास के अटैक के दिन ही ये ऐलान कर दिया था कि इजराइल अब युद्ध में है। उन्होंने कहा था कि वी आर इन वॉर। तब से आज तक कभी भी बेन्यामिन नेतन्याहू ने बंधकों को लेकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, ये जरूर कहा कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने शायद बेन्यामिन नेतन्याहू के सख्त रवैये के बावजूद हमास के आतंकवादियों के साथ सीक्रेट डील के तहत अपने बंधकों को रिहा करवाने पर काम शुरू कर दिया है। हमास ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के दो नागरिकों को मानवीय कारणों से छोड़ा है, लेकिन हमास के आतंकियों से मानव जैसे व्यवहार की उम्मीद करना बेमानी हो गए। दरअसल गाजा में भूख के बिना हमास के लड़ाके इतने परेशान हो गए कि उन्हें मजबूरी में दो बंधकों को छोड़ना पड़ा और आने वाले दिनों में भी इस तरह की उम्मीद हमास की तरफ से की जा सकती है क्योंकि इजराइल और दूसरे देशों का रुख बहुत कड़ा है हमास के खिलाफ। दरअसल लेबनन के एक अखबार नेहारनेट.कॉम पर हमास की योजना की असल खबर छपी है। लेबनन का ये अखबार लिखता है कि हमास की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने दो अमेरिकी बंधकों को इसलिए रिहा किया है क्योंकि बाइडेन की तरफ से ये आश्वासन दिलाया गया है कि राहत सामग्री के कुछ ट्रक गाजा के अंदर आएंगे और रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा। मतलब साफ है कि आतंकवादी सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे हैं और इसीलिए सीक्रेट डील के जरिए एक तरफ गाजा के अंदर राहत सामग्री को आने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दो बंधकों को रिहा भी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सीक्रेट डील में एक अहम किरदार कतर के अमीर भी हैं। याद कीजिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर का दौरा किया था और कतर के अमीर से मुलाकात की थी। इस दौरान क्या बात हुई इसकी फुल डिटेल नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी परतें खुलने शुरू हो गई हैं। दरअसल अमेरिका के दो बंधकों की रिहाई के बाद कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि
आज रात अमेरिका के बंधकों की रिहाई सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक लगातार बातचीत के बाद हुई है। प्रवक्ता का कहना है कि इजराइल और हमास के साथ कतर की बातचीत इस उम्मीद में जारी रहेगी कि वो सभी देशों के बंधकों को रिहा कर देंगे। ईशानी, बात बिल्कुल साफ है कि एक आतंकी संगठन हमास के बिचौलिए की तरह बातचीत कतर की सरकार कर रही थी। अब इस तरह हमास इसलिए कतर के कूटनीतिज्ञों की पीठ ठोकेगा कि राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक गाजा के अंदर पहुंच गए हैं, और जाहिर सी बात है कि गाजा के अंदर जब ये ट्रक जाएंगे तो इन पर कब्जा आतंकियों का ही होगा, क्योंकि गाजा पर जमीनी कब्जा आज भी हमास के आतंकियों का ही है, और ये कोई नई बात भी नहीं है। पश्चिम की मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी ये कहा गया था कि इसराइल पहले से दावा करता रहा है कि गाजा में जो राहत सामग्री भेजी जा रही है उसके आतंकियों के पास पहुंचने की बहुत उम्मीद है। इसराइल पहले भी ये कह चुका है कि जो ईंधन गाजा भेजा गया था उसे हमास के आतंकियों ने चुरा लिया, और इसीलिए हमास के पास ईंधन का स्टॉक बन गया। पिछले एक हफ्ते से लगातार इजराइल पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो रफा क्रॉसिंग को खोल दे और राहत सामग्रियों को गाजा के अंदर जाने दे, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था और उसने दो बार रफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक भी की थी। यही नहीं, इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भी बयान दे चुके थे कि अगर गाजा के अंदर राहत सामग्री नहीं जा पा रही है तो इसकी एक और वजह इजराइल की जिद है। इसराइल के अंदर उन परिवारों में पहले से काफी गुस्सा था जिनके सदस्यों को गाजा के अंदर हमास ने किडनैप किया हुआ है। इन पीड़ित परिवारों ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गाजा के अंदर राहत सामग्री तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक कि इसराइल के सभी 200 से ज्यादा बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाए। इस मांग पर नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, क्योंकि शायद अमेरिका और कुछ साथी देशों का दबाव इसराइल पर था कि रफा क्रॉसिंग को खोला जाए। पूरी उम्मीद है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कतर के अमीर से बात की होगी तब अमेरिका की तरफ से भरोसा दिलाया गया होगा कि अगर हमास बंधकों को रिहा करता है तो इजराइल राफा बॉर्डर को खोलने के लिए राजी हो जाएगा। ईशानी, अगर देखा जाए तो इस पूरी डील में राजनीतिक नुकसान बेन्यामिन नेतन्याहू को हुआ है, इसराइल को रफा क्रॉसिंग खोलने से रणनीतिक नुकसान भी हुआ है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले नेतन्याहू के अंदरूनी राजनीति पर बात करनी जरूरी है। इसराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे का दावा है कि इसराइल के 21% लोग गाजा में हमला करने के विरोध में हैं, लेकिन 65% लोग हमास पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में 51% लोग नहीं चाहते कि हिजबुल्ला के साथ जंग हो और 49% लोग चाहते हैं कि हिजबुल्ला के साथ भी जंग हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नेतन्याहू के लिए ये हुई है कि सर्वे के मुताबिक अगर आज इसराइल में चुनाव हो जाए तो नेतन्याहू की पार्टी को करीब 20 सीटों का नुकसान होगा। अब जाहिर सी बात है कि बंधकों को रिहा किए बिना ही इतनी भारी मात्रा में गाजा के अंदर राहत सामग्री भेजे जाने से नेतन्याहू की लोकप्रियता इसराइल के अंदर और गिरने वाली है। लेकिन नेतन्याहू इसलिए मजबूर है कि वो कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका का साथ और अमेरिका के हथियार उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए। युद्ध रणनीति के हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि हमास के साथ लड़ाई इसराइल की लंबे वक्त तक गाजा में चल सकती है।